हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं आज का डिवाइन संदेश आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आज के दिन में। तो यहाँ पर हम निकालेंगे शफल डेक से फर्स्ट कार्ड जो आया है, मेमोरीज ऑफ लव। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपको एंजल्स ये कह रहे हैं, डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए ये है कि हो सकता है कि प्रेजेंट में आपके अंदर कुछ पुरानी यादें जिंदा हो जिनके सहारे ही आप जीने की कोशिश कर रहे हैं, या आप किसी को काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं। एक एक दिन, एक एक सेकंड, एक एक घंटा आपका ऐसे बीत रहा है कि जैसे अब बस मजबूरी में दूर है, अनटिल और अनलेस आपको ये विश्वास है कि आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी या बस ठीक हो जाए कैसे ही। अब आपके अंदर और सब्र नहीं है, आप बहुत ज्यादा सफरिंग और पेन में हैं, हाईली इमोशनल हो सकते हैं किसी के साथ जो भी आपने मेमोरीज क्रिएट किए हैं, आपको वही समय काफी ज्यादा याद आ रहा है। आपको एंजल्स ये गाइड करना चाहते हैं इस कार्ड के जरिए कि देखिए, कोई भी चीज जो आपको यादें दे रही है, ठीक है, हमेशा दो तरीके से आप एक्सपीरियंसेस को कलेक्ट करते हैं अपने लाइफ में। या तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा या बुरा होगा। अच्छी चीज या अच्छी यादें आपको होल्ड कर लेती हैं या कुछ अच्छा सोचने पे मजबूर करती हैं, या आपको बहुत ज्यादा इमोशनल करती हैं। जैसे कि इस समय पे अगर आप सेपरेशन में हैं, परेशान है अपने लव लाइफ को लेकर काफी ज्यादा, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई वो समय था, आज ये समय है, तब ये पल था हमारे जिंदगी में, आज हमारी ऐसी हालत है। तो आप क्या कर रहे हैं कि यादें तो अच्छी रही, लेकिन अब आप उसके साथ में चाह रहे हैं कि चीजें ठीक हो जाएं, या आपने कुछ अच्छी चीजें फील की और अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपकी लाइफ में कुछ और अच्छा हो नहीं सकता है, जबकि ये बिल्कुल रॉन्ग थॉट प्रोसेस है। जिस दिन से आप अपनी सोच को बदलते हैं, उस दिन से बाहर की दुनिया बदल जाती है आपके लिए। सब कुछ आपके सीपीयू का कमाल है। जैसी कमांड आप डालेंगे वैसी ही वो आपको इनपुट दे देगा, ठीक है। आप नेगेटिव कोडिंग करते हैं, नेगेटिव कमांड देते हैं, तो नेगेटिव ही आउटपुट मिलेगा। और अगर आप बहुत पॉजिटिव हैं तो आपको पॉजिटिव इनपुट मिलेगा, आउटपुट आपको पॉजिटिव आएगा, वो इनपुट ही पॉजिटिव करेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात यह है आपके लिए कि आपको मेमोरीज दी जा रही हैं, तो उनसे कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। जो चीजें आपको कड़वी यादें देती हैं उस पे आप कार्मिक चीजें मैनिफेस्ट करने लगते हैं, आप श्रापने लगते हैं, कर्स करने लगते हैं। इन सभी चीजों से बचिए। कोई चीज जो आपके सोल एक्सपेंशन के लिए इंपॉर्टेंट है उसे याद रखना अच्छा है, बट कोई चीज अगर आपको दीमक की तरह खोखला करती जा रही है, कोई चीज आपको अंदर से ऐसा कर दे रही है कि अब आप किसी पे विश्वास करने के लायक ही नहीं बचे, हर जगह आपको सेम ही सिचुएशन नजर आ रही है, तो आप सोचिए कि आप कितने ज्यादा निर्भर थे उस व्यक्ति के ऊपर, और आज आप इतने कमजोर हैं कि आप उन यादों को निकाल नहीं पा रहे हैं, जबकि ये आपके चाहने भर से है कि आप चाहेंगे तो आप निकालेंगे उन यादों को, चीजों को रिलीज करेंगे अच्छे लेसन को पिक करके, और आप नहीं चाहेंगे तो आप 10-15 साल और वेस्ट कर देंगे। अब सोचिए कि मैंने कितनी गहरी बात बोली है। सारी चीजें शुरू हो रही हैं आपके अपने माइंडसेट से और खत्म भी हो रही हैं आपके अपने माइंडसेट पे। तो जो चीजें आपको हील करती हैं उनको याद रखिए, जिनसे आपको खुशी होती है, जो जिसमें आपका भला है, ठीक है। बेवजह की आपको उम्मीद भी नहीं रखनी है। आप जानते हैं अच्छे से कि सामने वाला आपकी लाइफ से चला गया या चली गई, ठीक है, आपने अपनी आंखों से देखा है, फिर भी आप यादों के सहारे उसमें कुछ और मैनिफेस्ट कर ले रहे हैं कि शायद हो जाए, शायद हो जाए। पॉजिटिव रहना अच्छा है, होपफुल ये सोचकर रहना अच्छा है कि आपने अच्छा किया तो आपके साथ कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन सिर्फ उसी सिचुएशन में अच्छा होगा, तो इस चीज का फैसला डिवाइन को करने दीजिए, क्योंकि उनके पास क्या है, आपके पुराने रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है गाइज कि आपको वही चीजें अपनी लाइफ में रखनी है जो चीज आपको बैगेज बन के सताए नहीं। उसका भार आपके ऊपर अगर पड़ता चला गया और आप डीमोटिवेटेड हैं, आप नेगेटिव हैं, एंशियस हो रहे हैं, आप खुद ही डिप्रेशन में जा रहे हैं पास्ट की चीजों की वजह से, तो ऐसी चीजों को आपको बिसार देने की जरूरत है। इस कार्ड को आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग जगह कैंडल्स पानी में बह के जा रही है। एक इस लड़के के या इन दोनों हाथों के बीच में है, जिसको क्या करना है, जिसने होल्ड कर रखी है, वो इसको एंजल्स डिवाइन छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, बिसारने के लिए बोल रहे हैं कि भाई रिलीज कर दो। अगर आप रिलीज करोगे तो यहाँ देख रहे हैं कितने सारे पत्थर भी हैं, ये भी रिलीज हो जाएंगे, तो आपकी लाइफ में वो आएगा जो आप एक्चुअली डिजर्व करते हो।
आप नई एनर्जी को पुरानी एनर्जी के साथ, पुराने पार्टनर को नए पार्टनर के साथ कंपेयर ना करें तो अच्छा है। लेसन ले सकते हो, अच्छी चीज है, लेकिन कंपैरिजन की वजह से आप किसी और को खराब नहीं समझ सकते या और किसी में कमियां नहीं तलाश सकते। वो आपके लिए डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि हर इंसान, हर परिस्थिति पहले वाली से अलग होती है और हर किसी का एक अलग लेसन छुपा हुआ होता है आपको देने के लिए। तो हमेशा जो भी है बेस्ट है, और अपने माइंड बॉडी सोल से जब आप अलाइनमेंट में आते हैं तो आप हर एक चीज का एक बेहतर तरीके से डिसीजन ले पाते हैं। तो इसीलिए हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखिए, मोटिवेटेड रखिए और हमेशा अपने अपनी एनर्जीज को हाई रखिए, ठीक है। सो गाइज, ये थी आज की डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। होप आपको इस गाइडेंस से कोई ना कोई सीख जरूर मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।